नमस्कार, मैं अलविया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज 24x7। हमारे संवाददाता धनंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। दुमका भागलपुर मुख्य पथ के 12वें किलोमीटर में भुड़भुड़ी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य हेतु शनिवार को मुख्य अतिथि जामा विधायिका सीता सोरेन के द्वारा किया गया। इस दौरान सीता सोरेन का बड़ा बयान, ये साल नियुक्ति वर्ष युवाओं के लिए दिसंबर तक भारी संख्या में बहाली आएगी। शिलान्यास सड़क का कार्य गुणवत्ता पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि बीते वर्ष पुल का रिपेयरिंग किया गया था, लेकिन पुल पर पुनः 15 दिनों में ही आवागमन बाधित हो गया था। वहीं दुर्गा सोरेन सेना गठन के बारे में बताया कि ये दुर्गा सोरेन सेना का गठन सामाजिक कार्य के लिए किया गया है। वहीं भविष्य के बारे में बताया नहीं जा सकता है कि ये लोग राजनीति में आए। क्षतिग्रस्त पुल को तोड़कर उसी जगह पर नया पुल का निर्माण होगा। वही इस पुल को बनाने में 2 वर्ष लगेगा। जरमुंडी SDPO उमेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, राकेश चौधरी, प्रखंड अध्यक्ष कालेश्वर सोरेन, सतरार खान, चंपा देवी, बिजल यादव आदि मौजूद थे। भुरभुरी पुल के मरम्मती में जो शिलान्यास के उपस्थित सभा में उपस्थित हुए हैं हमारे सभी यहाँ के माताओं, भाइयों, बहनों, इस प्रखंड के अध्यक्ष चरमुंडी से हमारे DSP और हमारे पत्रकार बंधुगण, विभाग से कार्यपालक अभियंता, कोविड में जो बेरोजगारी है ये बहुत बड़ी मुद्दा है हम लोगों के बीच, और सरकार पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि हर एक विभाग में नियुक्ति होगी। इस बार दिसंबर तक आप लोग देखेंगे हमारे जितनी बेरोजगार जो बच्चे हैं उन लोग के लिए कैरियर, समझे हम लोग कैरियर से पूरे तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो लोग जुड़ जाएंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, धरातल पर उतर भी चुकी है, और सरकार को हम लोगों को साथ देना है। साथ इसी तरह My first book, Solace, it's a collection of beautiful poems which addresses all aspects of life. I hope all my readers are going to enjoy it and understand that life has its own colors. This book will be available in Flipkart and Amazon within a week. So please place your order, read and enjoy. Thank you, everyone.